अच्छा सा घर है, घर में एंट्री करते ना तो थोड़ी गैलरी ही जा रही है। बोलो यार देव भगवान की जय। बैठक का मेन गेट भी दे रखा है। कैसे कलर का घर है? ऊंचा सा घर है कोई? ऊंचा सा घर है, एंट्री करते दो तीन सीढ़ियाँ से पढ़ चढ़नी पड़ते, गैलरी जा रही है, ये इधर बैठक है, बैठक का गेट बाहर से दे रखा है, फिर आगे की तरफ चलेंगे, सामने की तरफ रूम बना। एक ऊंचा सा घर दिख रहा है किसी का? सभी लोग ध्यान से सुने, एक ऊंचा सा घर दिख रहा है, कुछ कुछ स्काई ब्लू सा कलर है, स्काई ब्लू का, स्काई ब्लू कलर कर रखा है उस पर, फेड हो जाता है। हाँ हाँ स्काई ब्लू है। तो बैठक का रूम एक बाहर से दे रखा है, अंदर एंट्री करते हैं, गैलरी से जा रही है, फिर सामने की तरफ रूम दे रखी है, इधर लेफ्ट से जीना जा रहा है ऊपर। कितने कमरे इसमें? कम से कम तीन रूम सामने की तरफ, एक ये बैठक दे रखी है, पहले बैठक दे रखी है, फिर पीछे की तरफ तीन रूम बन रहे हैं इसमें। एक ही मंजिल का घर है ना? एक ही मंजिल का घर है भाई ये। बैठक का गेट ना बाहर से भी दे रखा है, और बैठक का गेट बाहर से भी दे रखा है। तीन कमरों का घर है, एक बैठक है, ऊंचा सा घर बना रखा है ये। बैठक के दो दरवाजे हैं, एक बाहर से भी है। आपका है? बोलिए शनिदेव महाराज की। जा रही है दो महिला, एक आदमी ग्रेट आ रहा है, कभी भी पेट में तरफ दर्द बढ़ जाता है, सर के चक्कर जाता नहीं है, सर में पीछे सर्वाइकल की तरह दर्द बना रहता है। पीछे सर्वाइकल की तरह दर्द रहता है आपको? चक्कर आते हैं, एक तरफ पेट में दर्द बढ़, एक तरफ पेट में दर्द रहते हैं। तीन चीजें आ रही है घर से, भाई सभी लोग अपने घर को ध्यान से सुनेंगे, देख कैसा घर है, जैसे घर के बाहर खड़े होके आप देखें कि मेरा घर ऐसा दिखाई देता है। ना मैंने तो ना बोला भाई, आवाज मत करो, बंद कर दिया। अगर इतने सारे से पहले मैंने दुकान बना रखी है, मरिंदम तेल का वगैरह का बाहर ही बना रखी है, दुकान है बोलते ना बीच में, पितर का स्थान का रहेगा बाहर, एक तरफ दुकान बना रखी है। एक घर दिख रहा है भाई, घर के सामने दुकानें बना रखी है, घर के साइड में परिंदा ने पितरों का स्थान बाहर दे रखा है, और पितरों का स्थान दे रखा है बाहर। घर कैसा दिखाई दे रहा? घर में एंट्री करेंगे ना तो गैलरी से जा रही है, सामने की तरफ तीन रूम दे रखे हैं, फिर इधर राइट से ये जीना से जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर भी ना ऐसे दो रूम बना रखे हैं, एक इधर की तरफ बना रखे। कितने कमरों का घर? कम से कम तीन रूम तो नीचे की तरफ है, पर तीन ही ऊपर की तरफ है। तीन कमरे नीचे बना रखे हैं, तीन कमरे ऊपर बना रखे हैं, साइड में दुकानें हैं, और पितरों का स्थान बाहर दे रखा है। किसका घर है भाई, देखें एक बार, इनका घर है। बोलिए शनिदेव महाराज की। इनका घर, वो सामने बैठे, कम से कम पांच चीज आ रही है, दो घर के पितर, एक जीने उसके साथ चुड़ैल चल रही है, एक मशान का प्रेस चल रहा है, इनके घर में तो पुरानी चीजें है, माइंड बंदा रहता है, सुन रहता है, दिमाग काम नहीं करता, सोच माइंड बंदा रहता है, सुन रहता है, दिमाग काम नहीं करता, सोचने की शक्ति खत्म, सोचने समझने की शक्ति कम होती है तुम्हारी। मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं, मम्मी पापा बीमार रहते हैं, दिक्कत बनी रहती है, बेचैनी, कमर में दर्द, बेचैनी, ये पांच चीजें घर में से आ रही है तुम्हारे। दो पितर आ रहे हैं, एक मशान का प्रेत आ रहा है, दो चीजें और आ रही है। पहले किसी ने हनुमान जी महाराज की सेवा करके छोड़ रखी है तुम्हारे घर में, इसको पता नहीं।
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। एक घर और दूसरा जो घर में घर पे ग्रीन सा कलर कर रखा है, मतलब राइट साइड से पूरा ओपन है, लेफ्ट में रूम बना रखे, फिर ये पहले टॉयलेट बाथरूम बनाएगा, फिर एक रूम दो रूम सामने तीसरा रूम है, फिर इधर रसोई बना के यहाँ से जीना जा रहा है ऊपर की तरफ। कोई पेट वेट रख देते या कोई तुलसी वगैरह रख रखे पहले। कितने कमरों का घर है? तीन कमरों का ऊपर है कुछ ऊपर था। एक तीन कमरों का घर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर कर रखा है घर के अंदर। जैसे घर में एंट्री करते लेफ्ट से ओपन है, इधर की तरफ लेफ्ट से ओपन है, रूम बन रहा है जैसे एक दो तीन, और इधर रसोई दे रखी, रसोई के साथ जीना जा रहा हूँ ऊपर की। रसोई के साथ जीना दे रखा है, तीन कमरों का घर है भाई। और जीने के साथ ही पहले कोई पेड़ पौधे रख रखे, और जीने के साथ ही गमले में पेड़ पौधे रख रखे हैं। किसका घर है देखे, तीन कमरों का घर है। आपका है जी? हाँ हाँ, तीन कमरे हैं ना घर में। हाँ बैठ के तीन कमरे, क्या घर में पित्त आ रहे, एक पित्र के साथ महिला प्रेत आ रही है। कभी भी घर में से छन 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 करके आवाज आती है, रोने का मन, रोने का मन करता है, घर में छन छन करती आवाज आती है। आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा कमी रहती है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। हाँ कमर में दर्द बता रहे, सारे सारे इनके घर के पितर हैं, उनके सारे इनके आपको पितृदोष बताया था ना, पितृदोष बताया था ना आपको। महिला भी चल रही है उसके साथ, एक महिला प्रेत और दो पितर हैं आपके घर से। उपाय बस यही है, आप आते रहो, हवन कराते हो, जैसे अब चीजें आ रही है ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएंगी चीजें आती आती। क्या कह रहा रुकता।